अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, और मैं हूं आपके सामने अतीकुज़्ज़मान। और आज का जो मेरा टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कि जैसा कि आपने देखा होगा कि आज जोफ्रा आर्चर जो इंग्लैंड के बहुत ही टैलेंटेड और वन ऑफ द क्विकेस्ट बॉलर हैं, आज उन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट न्यूज़ शेयर की है कि उनको ही वॉज़ अ विक्टिम ऑफ रेसिज़ अब्यूज़। तो आज रेसिज़म के बारे में थोड़ा सा बात करेंगे ये कितना सीरियस लेते हैं। जैसे देखें, हम लोग पाकिस्तान में बैठे हुए होते हैं और हमें ऐसा लगता है कि इंग्लैंड में रेसिज़म जो है काफ़ी जो है उसकी शिद्दत जो है काफ़ी बढ़ गई है, और काफ़ी इस तरह के केसेस आ रहे हैं, रेशल अब्यूज़ मिलती हैं ट्विटर पे और दूसरे प्लेटफॉर्म पे। तो आज मैं आपके सामने शेयर करूँगा कि रेसिज़म जो है बेसिकली वो क्या, कौन लोग हैं जो इस तरह की हरकतें करते हैं। देखें, आप भले पाकिस्तान में रहें या दुनिया के किसी भी मुल्क में रहें, रेसिज़म जो है एक कॉमन सी चीज़ बन गई है, जिसके बारे में काफ़ी सीरियस ले रहे हैं लोग। ख़ास तौर पे इंग्लैंड में बहुत इसके बारे में बहुत ही सीरियस तरीके से यहाँ की जो गवर्नमेंट और नेशनल गवर्नमेंट गवर्निंग बॉडी है वो इसको इसको इसके बारे में काफ़ी मेहनत कर रहे हैं कि किसी तरह इसको कम किया जाए। देखें, रेसिज़म को ख़त्म करना, आई एम नॉट श्योर कि वी कैन ऑलवेज एलिमिनेट फुली रेसिज़म, मगर इसको जितना भी कंट्रोल किया जा सके और कंट्रोल उस तरीके से किया जा सकेगा कि आप अपनी यंग जनरेशन को एजुकेट करें। रेसिज़म, देखें, बंदा बॉर्न रेसिज़म नहीं होता, जिस एनवायरनमेंट में वो पल रहा होता है, जिस एनवायरनमेंट में उसको सारी चीज़ें वो देखता है, उसी एनवायरनमेंट से वो सीखता है। तो मे भी उनके जो पेरेंट्स हैं उनको इसका सारा क्रेडिट जाता है कि उन्होंने जिस तरह की एजुकेशन चाहिए थी वो नहीं दी, तो मे भी दे आर द मोस्ट कल्प्रेट। तो हमें चाहिए कि अगर हम देखें जिन बच्चों को रेसिज़म के बारे में जो उस माशरे में ग्रो होते हैं जहाँ पर रेसिज़म काफ़ी प्रमोट होता है, तो हमारी जिम्मेदारी बनती है एज अ प्लेयर, एज अ सेलिब्रिटी और एज अ यू नो जो भी है, एज एन एजुकेटर, कि हम ज़्यादा से ज़्यादा इस तरह को सोशल मीडिया पे इस तरह की कोई एजुकेशन दें। तो मेरे हिसाब से रेसिज़म के बारे में एक प्रोग्राम होना चाहिए, और प्रोग्राम डेली बेसिस पे टेलीकास्ट होना चाहिए, जिसमें बच्चों को, आजकल के बच्चों को बताया जाए कि ये चीज़ें एक्सेप्टेबल नहीं है। और आप अगर आपकी गलती से अगर आप कोई अपनी बात को एड्रेस करना चाहते हो, कभी कभी आपका मतलब नहीं होता उन बातों का, मगर आप फिर भी एड्रेस कर जाते हो, तो उनको ये बताना पड़ेगा कि वर्डिंग को किस तरह इस्तेमाल किया जा सकता है। और अगर आपके पेरेंट्स आपके सामने इस तरह की बात करें, आप उनको भी टोकते हैं, तो आप अपने घर का माहौल ठीक करेंगे, हर बंदा अपने आप को ठीक करेगा, तो हम खुद ही ठीक हो जाएंगे। मेरी सारी हमदर्दियाँ जोफ्रा आर्चर के साथ हैं, उस लड़के से गलती हुई, मिस्टेक हुई, जिसका खमियाजा उसने भुगतना पड़ा, वो टेस्ट से ड्रॉप भी हुआ और उसको हैवी फाइन देना पड़ा। अब वी नीड टू मूव ऑन, और उसको चांस देना चाहिए। और इस तरह की जो अब्यूजिव लैंग्वेज और रेसिज्म रेसिस्ट रिमार्क्स हैं ट्विटर पर, ये ट्विटर को भी चाहिए कि, और ये दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म को भी चाहिए कि वो इस पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी जो पॉलिसी है उसको सख्त करें, और जितना स्ट्रिक्ट करेंगे उतना ही हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जितने भी अकाउंट्स हैं इस तरह की अब्यूज आती है, सबको बैन कर दिया जाए स्ट्रेट अवे। और हमारा काम बनता है, प्लेयरों का काम बनता है कि हम सोशल मीडिया पर इसको कंडेम करें और लोगों को एजुकेट भी करें। सिर्फ कंडेम करना ही सारी चीज़ें नहीं है, मगर लोगों को एजुकेट भी करना है। आई होप आपको मेरी बातें पसंद आई होंगी। नेक्स्ट प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त मांगता हूँ। अतीकुज़्ज़मान, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल, और अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो इसको लाइक भी ज़रूर करिएगा। थैंक यू वेरी मच।